हेलो फ्रेंड्स, अगेन वेलकम बैक टू माय अनदर ब्लॉग। तो गाइस, अभी हम तीनों तैयार होके जा रहे हैं कॉलेज। क्यों जा रहे हैं तो मैं आपको नीचे जाके बताती हूँ, ठीक है, क्योंकि हम लेट हो रहे हैं। तो चलते गाइस, अभी टाइम हो चुका है 1:35 और हम लोग कॉलेज इसीलिए जा रहे हैं क्योंकि आजकल कॉलेज में एडमिशन स्टार्ट हो चुके हैं और जो कि हम तीनों ने करा लिया। अब आप लोग सोचोगे कि एडमिशन करा लिया है तो कॉलेज क्यों जा रहे हैं। एडमिशन आज हम कराने जा रहे हैं हमारे फ्रेंड का, तो क्योंकि वो यहाँ नहीं है इस वजह से हम उसका एडमिशन कराने जा रहे हैं। और मौसम तो क्या बोलूँ, बरसात स्टार्ट हो चुकी है तो खोल लेते हैं छाता। ये कबू में एक छाता में जाएंगे, हम आगे चल रही है क्योंकि तीन जने एक छाता में नहीं घुस सकते हैं। चलो लेट्स गो। तो कनिष्का चल चुकी है आगे, अब हम लोग भी चलते हैं। गाइस, यहाँ पे आउटिंग भी डाल दी है, अब चलते हैं। तो गाइस, अभी हमें सबसे पहले जाना है साइबर कैफे, वहाँ से हमें निकालनी है फी स्लिप और बाकी जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं। उसके बाद हम जाएंगे ज्योग्राफी डिपार्टमेंट में, शायद ज्योग्राफी डिपार्टमेंट में ही एडमिशन हो रहे हैं। कनिष्का कहाँ हो रहे तुम्हारे एडमिशन? अच्छा सॉरी, इंग्लिश डिपार्टमेंट। मतलब हमें फिर से नीचे ही आना है, हॉस्टल के नीचे है इंग्लिश डिपार्टमेंट, तो हमें फिर से नीचे ही आना है। तो सबसे पहले साइबर कैफे, हमारा तो ऊपर ही होता मेन कैंपस में एडमिशन, लेकिन हम करा चुके हैं। हम लोग पहुंच चुके हैं साइबर कैफे में और कभी यहाँ पे से निकाल रहे प्रिंट। तो गाइज, हमने डॉक्यूमेंट्स वहाँ से निकाल लिए हैं, अभी हमें जाना है इंग्लिश डिपार्टमेंट। मैं सोच रही थी इंग्लिश क्लास जाना है, इंग्लिश डिपार्टमेंट तो मेन कैंपस में है, तो चलते हैं हम इंग्लिश डिपार्टमेंट में, क्योंकि फिर अगर 2 बजे आएगा तो उसके बाद एडमिशन भी नहीं होंगे। 2 बजे तक ही एडमिशन होते हैं तो करा के आते हैं 1 बजे से। तो यहाँ पे बच्चे आ रखे हैं कुछ कुछ अभी एडमिशन के लिए, इतने बारिश में आधे तो करा के चले गए होंगे क्योंकि सुबह आ जाते हैं एडमिशन के लिए। अभी बस कुछ लोग ही हैं और बाकी ये देख सकते हो। हम आधे से पलट के नहीं आ सकते गाइस, यहाँ पे गौरव भैया करा रहे हो भैया का एडमिशन। तो अभी अंदर से फॉर्म हम लेके आके भरना है। भैया चले जाओ, करा के आ दो ना, एक बार टाइम भी हो रहा है। यहाँ पे एडमिशन नहीं हो रहा है, किस कारण से नहीं हो रहा है, क्योंकि वो बंदा यहाँ पे उपस्थित नहीं है और गौरव भंडारी आप सभी जानते हैं क्योंकि ये यहाँ पे के महासचिव है। इस वजह से तो मिस्टर महासचिव सॉरी, तो इसी वजह से एडमिशन नहीं हो रहा है। तो शायद हमें उसका मेडिकल बना के यहाँ देना पड़ेगा कि उसकी तबीयत खराब है, इस वजह से उसका एडमिशन होगा। नियम होते हैं, ऐसे नियमों का उल्लंघन नहीं करना। ओह माय गॉड, अगर हम ऐसा करेंगे तो हमसे बच्चे क्या सीखेंगे। अच्छा अच्छा, ओके। तो गाइज, यहाँ पे हमने ये वाले भैया को बना दिया, राहुल भैया। अब देखते हैं कि एडमिशन होता है या नहीं होता है। तो गाइज, काम हो चुका है, ये लेके आ चुके हैं स्लिप। अब हमें स्लिप को भरना है, उसके बाद तो लास्ट जो डॉक्यूमेंट है उसको सबमिट करना है, बस हो गया हमारा काम। थैंक यू सो मच भैया। गाइज, यहाँ पे काम हो चुका है, स्लिप को भरना है, उसके बाद तो अब यहाँ पे एडमिशन बंद हो चुके हैं। तो स्लिप को भर के अब हम इसको कल सबमिट करेंगे यहाँ पे। अब हमें किसी और को कल राहुल बनाने, क्योंकि कल ये भैया नहीं आने वाले हैं, तो अब किसी और राहुल को ढूंढना है हमें। वैसे तो लास्ट में गौरव भैया ने हमारा काम कराया था क्योंकि उन्होंने उस लड़के को ढूंढा था। तो अब यहाँ पे का काम हो गया, अब देखते हैं हम कहाँ जाने वाले हैं। शायद आज भी हम कैफे जाने वाले, चाय पीने के लिए, क्योंकि ठंडा हो रहा है। गाइस, अब हम तीनों जाने लगे हैं हॉस्टल, क्योंकि हमें छाता और ये बैग हॉस्टल में छोड़ के आना है। उसके बाद हम लोग जाएंगे कैफे। कनिष्का तो कैफे नहीं आ रही है क्योंकि कनिष्का थोड़ा कमी चाय पीती है, तो कबू मैं जा रही हूँ चाय पीने के लिए, बहुत ठंडा हो रहा था ना। अभी तो खैर बारिश भी रुक गई है, तो हॉस्टल में बैग रख के आते हैं, उसके बाद चलते हैं। तो गाइस, अब कबू और मैं जा रहे हैं चाय कॉफ़ी कैफे में, और बारिश फिर से थोड़ी थोड़ी स्टार्ट हो चुकी है, हल्की हल्की आ रही है, मिले दिख भी नहीं रही वाला। तो अब मिलते हैं चाय कॉफ़ी कैफे में। हमें मिल गए कृष्णा भैया। कृष्णा भैया, आप हमें पार्टी करा रहे हो आज? नहीं, बिल्कुल नहीं, किस खुशी में? अरे खुशी ना, शादी फिक्स हो रखे है ना, कुछ हो तो जल्दी हो जाएगी शादी फिक्स। पहले लड़की ढूंढो। कोई नहीं, ढूंढते हैं फिर उसके बाद पेंडिंग है, ठीक है, पार्टी आप ले। डन, ओके। लोग पहुँच गए चाय कॉफ़ी कैफे में और अनुदी लोग भी आए हैं यहाँ पे। लोगों ने पहले ही खा लिया था, तो अभी अनु भी हमारे साथ पी रही है केसर वाली चाय और हम लोग भी पी रहे हैं। और अलग से इन दोनों के यहाँ पे रील्स चल रहे हैं। तो गाइज, आज हम अगले दिन फिर से हो चुके हैं तैयार और आज हम जा रहे हैं फिर से मार्केट, क्योंकि आज है वेडनेसडे और आज है हमारी आउटिंग। और आउटिंग क्या डे मिस कैसे कर सकते हैं। खैर, आउटिंग में लोग घूमने जाते हैं, पर हम जो कहाँ जा रहे हैं मैं बता दूँ, हम जा रहे हैं हॉस्पिटल। जैसे कि मैंने आपको पिछले ब्लॉग में बताया था कि मुझे ये हाथ में एलर्जी निकली है, तो हम आउटिंग में हॉस्पिटल ही जाते हैं। वैसे तो हॉस्पिटल जाते हैं, हाँ कोई बात नहीं, जब भी जाते हैं तो हॉस्पिटल जाना है। और हमारा थोड़ा सा जीन्स है, थोड़ा सा नहीं, मतलब थोड़ा सा दो जीन्स हैं जो कि ढीले हो चुके हैं, उसकी फिटिंग देने के लिए जाना है। तो सबसे पहले जीन्स फिटिंग कराते कराते ऊपर को जाएंगे, फिर हॉस्पिटल जाएंगे। तो चलते हैं, तो गाइस चलते हैं पोटली बात के, तो लेट्स गो। यहाँ पे अभी हम लोग डाल रहे हैं आउटिंग। तो यहाँ पे हमने आंटी को दे दिया है सिलाई के लिए, अब हम जब वापस आएंगे तब आंटी से लेके जाएंगे। तो अब हम यहाँ से चलते हैं हॉस्पिटल की ओर। चिल्लाती क्यों हो? गाइस देख सकते हो ब्लॉगर की आंखों से आंसू आने लग गए। वैसे इसने धोखा दिया है, बनाने तो ये वाली थी, मैंने मेरे को बैठा दिया तो ना, मेरे को डर लग रही है, सॉरी मैं नहीं बना सकती। पर दीदी अच्छा बनाती है।
अच्छे बना देना। चलो फिर अब यहाँ पे अभी कब्बू को बना के कब्बू भी बनाने लग गया आईब्रो, देख सकते हो रोने लग गई है। गाइज हम दोनों वहाँ से आ गए हैं, मुझे बहुत ज़्यादा। और तो अब हम दोनों जा रहे हैं हॉस्पिटल, हॉस्पिटल का काम करके उसके बाद वापस आएंगे। और हल्की हल्की बारिश स्टार्ट हो गई है, बूंदा बारिश हल्की हल्की ना, उतनी ज़्यादा भी नहीं। गाइस हम लोग पहुँच चुके हैं हॉस्पिटल में, अभी है हम डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में। वैसे हम पर्चा काट लेते हैं और आज हम क्या करने वाले हैं, एक ही पर्चे में दोनों का काम फिक्स। आज हम यहाँ पे अपने 28 रुपये बचाने वाले हैं, फिर देखते हैं हम 28 रुपये का क्या खाते हैं। यहाँ पे कब्बू का कब्बू ने कराना है ब्लड टेस्ट, और अब हम चलते हैं अपने स्किन का दिखा लिया, तो मुझे एक ट्यूब प्रेफर किया है और मेडिसिन प्रेफर की है। ट्यूब तो हमें बाहर से लेना है, मेडिसिन यहीं से मिल जाएगी क्लिनिक। अब हमें दिखा दें स्किन बीपी के लिए जाना है, तो ट्यूब बीपी के लिए काम रहा कहाँ है रे। यहाँ पे बीपी चेक होगा, मैं ये सोच रही हूँ इसका बीपी का क्या है, बीपी तो ये मेरा बढ़ाती है। गाइस इसका यहाँ पे जो बीपी है वो नॉर्मल आया है। अब हम दोनों यहाँ पे कराने वाले हैं अपना कम करते, देखा ये झूठ बोल रही है, उससे कम करते। अब हम दोनों वेट नापाने वाले हैं अपना कि इस बार कितना वेट हुआ है। पिछली बार आपको जैसे पता होगा अगर ब्लॉग देखा होगा, आपने कितना था हमारा 47 दोनों को 47 था। तो इस बार देखते हैं कि कौन कितना पतला हो गया है, कौन कितना मोटा हो गया है, देखते हैं। ठीक है, ये ज़्यादा मोटी है, मैं ज़्यादा मोटी हूँ। वेट मेजर कर दिया 46 गाइस, यहाँ पे वेट बढ़ने के मतलब यहाँ वेट घट चुका है, वो भी दोनों का बराबर 46 46। अब मुझे समझ नहीं आ रही, या तो मशीन खराब है या तो मशीन ही खराब है, बाकी कुछ नहीं। अब क्या करें, बाहर पे ना पे क्या एक राउंड नहीं और 46 हो सकता है, कल हमारा 47 था, 47 से एक हम हो गया 46 हो गया, क्या करें क्या। अभी हम यहाँ पे से ले रहे हैं ट्यूब और हमने मेडिसिन ले लिया वहाँ से। तो गाइस यहाँ पे हमने ट्यूब भी ले लिया, ये अब हम चलते हैं वापस। गाइज हम यहाँ पे डेट्स और रियल जूस लेके आए हैं, तो आज से हमने सोचा कि थोड़ा हम हेल्दी फूड खाएंगे। और हम क्या लेके आएंगे, 50 kg के होंगे दिखाएंगे, जितने हम पहले थे ना 50.6 उतना होके दिखाएंगे। 51 भी होगा तो कोई बात नहीं, फिर भी हमारी कोशिश है कि हम 50 तक का हो जाए, एक महीने 50+ हो जाएंगे। तो अब हमारा क्या है, यही फोकस है, सबसे ज़्यादा मेन फोकस यही है, हम 50 के होंगे। डेट्स देख लो डेट्स। गाइज अब हमने बस अपनी जींस वहाँ पर ले लिए, जहाँ पर हमने फिटिंग ले दिया है, उसके बाद हम सीधे हॉस्टल जाएंगे। गाइज हम लोग आ चुके हैं वापस हॉस्टल, इसी के साथ ही वीडियो करते हैं एंड, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।